हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाएंगे। इस ड्रेस में मैंने स्टोन का स्टोन चैन का यूज़ किया है और इसमें मैंने रेड कलर के सरील के कपड़े का यूज़ किया है। इस ड्रेस को पीछे से मैंने इसमें 8 इंच का 9 इंच का मैंने ये राउंड लिया है। सेंटर में मैंने इसमें 2 इंच का 2 इंच की कटिंग की है, जहाँ पे हम अपनी चोली को अटैच करते हैं। ऊपर की तरफ मैंने इस तरह से इसमें डिज़ाइन बनाई है। इसे हम बनाना शुरू करने से पहले, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रेस बनाने के लिए हम 9 इंच के टेट्रोन का राउंड पीस लेते हैं। 1.5 इंच का लेके मैं राउंड कर लेती हूँ, जो 9 इंच का ये बन जाता है। सेंटर में हम 2 इंच का राउंड काटते हैं, जिसमें हम अपनी चोली को अटैच करते हैं। इस टेट्रोन को पीस को मैंने सनील का रेड कलर का कपड़ा लिया है। इस टेट्रोन को पीस को सनील के कपड़े के ऊपर मैं फेविकोल से पेस्ट कर लेती हूँ। अब इस टेट्रोन के ऊपर मैंने ये सनील का फैब्रिक पेस्ट कर लिया है और पीछे की तरफ मैंने इसमें एक सिंपल कपड़ा पेस्ट कर लिया। इस तरह इसको हाफ करके मैं यहाँ से कैंची से 2 पीस कर देती हूँ, जिससे ये यहाँ से ओपन हो जाती है। सेंटर में से इसका राउंड काट लेती हूँ, जहाँ पे हम चोली को अटैच करते हैं। इस तरह हमारा ये पूरा घेरा पेस्ट हो जाता है फेविकोल पे। घेरे को पेस्ट करने के बाद हम इसको इस तरह हाफ करते हैं। हाफ करने के बाद हम इसके ऊपर चौक से निशान लगाते हैं और एक पत्ती की शेप बना लेते हैं। और इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इस वाले से को हम यूँ सीधा काट लेते हैं। इस तरह हमारी ये डिज़ाइन बन जाती है। ये हमने अपने घेरे की पूरी कटिंग कर ली है। ऊपर की तरफ हमारा घेरे पत्ती की शेप में आता है, साइड में हम ये दोनों इसे यहाँ पे बीच में कट कर देते हैं, जो दोनों साइड में थोड़ा सा गैप रह जाता है। जहाँ हमने घेरे को आगे से ओपन किया था, वहाँ ओपन घेरे के ऊपर हम एक साटन का रिबन लेते हैं। ये मैंने साटन का एक ट्रांसपेरेंट रिबन लिया है, जिसको इसके दोनों मुंह के ऊपर सिलाई मशीन से या फेविकोल से हम इसे अटैच कर देते हैं। दोनों मुंह के ऊपर हम अटैच कर लेते हैं। मैंने घेरे पे ओपन साइड में दोनों तरफ साटन के रिबन को सिलाई मशीन से सिल लिया है। अब हम इसके चारों तरफ इस तरह की लेस लगाएंगे। ग्रीन कलर की लेस है, जिसके ऊपर ये मोतियों की लाइन लगी हुई है। इसको हम ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर लेते हैं। शुरू के हिस्से को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, जहाँ से हमारा खुला हुआ हिस्सा है वहाँ से हम इसे पेस्ट करना शुरू करते हैं। पेस्ट करते हुए ऊपर तक ले आते हैं इसे। पत्ता लाने के बाद हम इसे यहाँ से कैंची से कट। अभी इसे तो इस तरह इधर लगा देते हैं। जो हमने पत्ती की शेप बनाई थी, इस पत्ती की शेप पे भी हम इसे लेस को लगा देते हैं। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो इसे हम सिलाई मशीन से हाथ से भी लगा सकते हैं। इसे लगाते हुए मैं इसे कंप्लीट, सभी जगह हमने ये लेस लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इस लेस के आगे हम यहाँ सभी जगह स्टोन चेन लगाएंगे। तो स्टोन चेन हम फेविकोल से लगाते हैं।
फिर मैं सभी जगह स्टोन चैन लगा के इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। सभी जगह मैंने स्टोन चैन लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब स्टोन चैन के आगे हम फैन को लगा लेते हैं। और ये बड़े वाले स्टोन है वाइट कलर के, ये हम सभी जगह लगा देते हैं। हम स्टोन लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सभी जगह इसमें हमने स्टोन लगा लिए। स्टोन लगाने के बाद वापस से हम एक रो स्टोन चैन की ओर लगाते हैं। फेविकोल भी यूज कर सकते हैं और फेविग्लू भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे फेविकोल यूज किया है। अभी मैं स्टोन चैन की रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हमने अपनी स्टोन चैन की रो भी कंप्लीट कर ली। स्टोन चैन की रो कंप्लीट करने के बाद हम सभी जगह पे यहाँ पे फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक वाइट कलर का स्टोन लगाती हूँ। मैं वाइट कलर के स्टोन के चारों तरफ में ग्रीन कलर की ड्रॉप शेप स्टोन लगाती हूँ। फिर हम यहाँ पे सभी जगह इस तरह के फ्लावर बना लेते हैं। ये सभी जगह मैंने फ्लावर्स बना लिए। एक तरफ ये सात फ्लावर बने, सेवन फ्लावर बनाए, इधर इधर भी सेवन फ्लावर बने, इधर भी सेवन फ्लावर बने। अब सभी फ्लावर के ऊपर हम टीयर शेप के ही तीन तीन मोती लगाते हैं, तीन तीन स्टोन लगाते हैं सर। ये हम व्हाइट कलर के स्टोन लगाते हैं। हम सभी फूल के ऊपर इस तरह तीन तीन टीयर शेप के स्टोन लगा लेते हैं। सभी जगह हमने व्हाइट कलर के टीयर शेप मोती से तीन तीन इस तरह एक पत्ती की शेप बना ली। अभी ये ऊपर वाली जो हमारी एक पत्ती हमने कटिंग की थी, इस पत्ती के ऊपर अब हम ग्रीन कलर के टीयर शेप मोती लगाते हैं। ग्रीन कलर के टीयर शेप मोती लगाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर कोने पे लगाते हैं ऐसा मोती। सभी जगह मैंने इसमें पोशाक में फेविकोल यूज किया। शुरू में मैंने हॉट ग्लू लगाया था, जहाँ पे हम मशीन से भी काम कर सकते हैं। अभी ये ग्रीन कलर के मोती भी लगा लेती हूँ मैं। सभी जगह मैंने ग्रीन स्टोन लगा लिए। ग्रीन स्टोन लगाने के बाद हम इसमें हमें स्टोन चैन की लाइन लगाते हैं। अब वापस में हम इसमें व्हाइट स्टोन लगाते हैं। व्हाइट स्टोन लगाने के बाद बीच में एक रो हम इसकी स्टोन चैन की लगा के ऊपर का इसे ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने ऊपर यहाँ पे राउंड वाले स्टोन लगा लिए, सेंटर में एक स्टोन चैन की लाइन लगा ली। इस तरह हमारे ऊपर का हिस्सा कंप्लीट हो गया। फिर मैंने यहाँ पे राउंड वाले स्टोन यहाँ पे लगा के इसको
घेरे को कंप्लीट कर लिए, इस तरह हमारा यह घेरा पूरा हो जाता है। अब हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हम एक 11 बाई 1.5 इंच की एक सीधी पट्टी लेते हैं। इस पट्टी में मैंने टेट्रोन की पट्टी के ऊपर सनील का और सिंपल कपड़ा फेविकोल से पेस्ट कर लिया। अब इस पट्टी के दोनों तरफ हम साटन का रिबन इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई मशीन से मैं दोनों तरफ लगा लेती हूँ। मैंने दोनों तरफ साटन का रिबन लगा के दोनों पट्टियों को कंप्लीट कर लिया। अब इन दोनों पट्टियों को हम बीच में से काट लेते हैं। इस तरह हमारी ये दोनों पट्टियाँ बन जाती हैं। दोनों पट्टियों को हम स्टोन चैन और स्टोन से डेकोरेट करते हैं। तो सबसे पहले इसके दोनों साइडों में स्टोन चैन लगा लेते हैं। इस तरफ दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं। दोनों तरफ स्टोन लगाने के बाद जैसे हमने घेरे के अंदर एक एक फूल बनाया था, वैसे इसमें दोनों तरफ हम एक एक फूल बना देते हैं। हम दोनों पट्टियों के ऊपर फूल बना के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने चोली की दोनों पट्टियां तैयार कर ली। इस वाली पट्टी पे मैंने थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से मैं स्टोन चैन से छोड़ देती हूँ, जिससे हम दोनों पट्टियों को आपस में यहाँ से अटैच करते हैं। इसको घेरे की तरह मैंने यहाँ पे फ्लावर बना लिया। फ्लावर के ऊपर 3 स्टोन और सेंटर में एक राउंड स्टोन लगा के इसे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं हो तो आप सिलाई मशीन से या हाथ से भी इसे कर सकते हैं। मैं दोनों पट्टियों का आपस में जोड़ देती हूँ। अब जो हमारा पीछे का दोनों जहाँ पे हमने दोनों पट्टियाँ जोड़ी हैं वो पीछे की तरफ खुले वाले हिस्से की तरफ नहीं लगानी हमें घेरे से ये चोली। खुले वाले हिस्से की तरफ हमारे आगे का खुला हुआ हिस्सा लगेगा, पीछे की तरफ ही हमारा बंद हिस्सा लगेगा। इसे अब हम ग्लू गन की मदद से मैं पेस्ट कर देती पूरे बनने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से बन जाती है। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।